जो कर रहा था नारी शक्ति, कौन सी नारी शक्ति, मुझे आज तक यही समझ नहीं आया। आपको बता दूं, मैं शायद परिचय बाबर इन्होंने दिया नहीं, मैं संस्कृत पढ़ाती हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। संस्कृत आपको पता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संस्कृत नहीं पढ़ने दिया गया था, और मैंने उसी संस्कृत में PhD की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में न सिर्फ मैंने JNU से न सिर्फ पढ़ाई की है, बल्कि अब मैं आज पढ़ा रही हूँ। और पढ़ाने में भी क्या पढ़ा रही हूँ पता है आपको, मनुस्मृति। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें महिलाओं के अधिकार की रक्षा करने के लिए पुरुषों को उनके प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है, और महिला भी ये ना सोचे कि पुरुष उनको थाली में परोस के देगा। उनको भी नहीं मिली थाली में परोस के, तो पुरुषों को कहाँ आजादी मिली है थाली में परोस के, नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। शोषण की जब हम बात करते हैं, वह चाहे ब्लैक रिवोल्यूशन हो, या चाहे हमारा ब्राह्मणवाद के खात्मे के उनका करने के लिए उठाई गई आवाज हो, गौतम बुद्ध की आवाज हो, हमारे संतों परंपराओं की आवाज हो, इवन हमारा जो वैदिक जो कल्चर है, वैदिक कल्चर के दिए गए आंडवरों को का विरोध करने के लिए जो लोकायत और चार्वाक